राधे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ सुनल, आपका स्वागत है मेरी किचन में। आइए दोस्तों, आज हम बनाते हैं मटर पुलाव की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही इजी होती है और क्विक बनने वाली रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मटर पुलाव की रेसिपी बनाने के लिए हमने एक ग्लास नॉर्मल चावल लिए हैं, साबुत चावल हैं, मेज़र करके 250 ग्राम चावल हैं। मैंने आधा कटोरी नॉर्मल मटर ली है, आप यहाँ पर फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच देसी घी लिए हैं, आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्वाद अनुसार नमक लिया है, एक छोटी इलायची, कुछ लौंग, 5 से 6 काली मिर्च, एक टुकड़ा दालचीनी का, 2 टुकड़े तेज़पत्ता के और कुछ कटे हुए काजू लिए हैं। अब मैं चावलों को अच्छे से साफ पानी से वॉश कर लूँगी, तो 2 से 3 बार मैंने अच्छे से चावलों को वॉश कर लिया है, और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इन्हें भिगोने के लिए 12 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे और इस पर प्रेशर कुकर को रख देंगे। प्रेशर कुकर के गर्म होने के बाद हम इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, आप किसी भी ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। घी के गर्म होने के बाद इसमें मैं काजू के कुछ टुकड़े और मसाले को डाल दूंगी और उन्हें 1 मिनट तक अच्छे से भून लूंगी। जैसे ही हमारे काजू ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें मटर डाल देंगे। मसाले और काजू अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें हम मटर डाल देंगे। छिली हुई मटरों को हम डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए और अच्छे से पकाएंगे। अब यहाँ पर फ्रोजन मटर लेते हैं, तो उसको आप 2.5 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाइएगा। मटर हमारी नरम हो गई है, इसके बाद हमने भिगोए हुए चावलों को इसमें डाल दिया है। चावलों को डालने के बाद हम इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से चावलों को पकाएंगे। लगातार चलाते हुए चावलों को 2 मिनट के लिए अच्छे से इसी तरह से पकने देंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक को चावलों के साथ अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें चावल के मेज़र के अकॉर्डिंग ही पानी डालेंगे। हमने यहाँ पर 1 ग्लास चावल लिए थे, तो हम यहाँ 1.25 ग्लास या 1.5 ग्लास पानी लेंगे। इससे अधिक पानी को आप ना डालें, बस आप चावल के अकॉर्डिंग पानी का मेज़र याद रखें। अब इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे और हम करीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए उबाल आने तक इन्हें पकने देंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखें। पहले हमने लो फ्लेम पर ही सारी मटर मसाले सब भुने थे, जब हमने इसमें पानी डाला है तो हमने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है, और अभी हम कुकर को कवर नहीं करेंगे। एक उबाल आने के बाद इसको कवर करेंगे। तो देखिए, हमारे चावलों में उबाल आ चुका है। अब हम प्रेशर कुकर के ढक्कन को अच्छी तरीके से लगा देंगे और इसमें 2 सीटी लगाने के बाद हम गैस को बंद करेंगे। तो देखिए, हमने गैस की फ्लेम को हाई रखा है, इसमें सीटी आने तक हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। तो हमारी यहाँ पर 1 सीटी आ चुकी है, और 2 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब 4 से 5 मिनट तक हम कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम मटर पुलाव को चेक करेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमारा पुलाव बना है। ये पुलाव खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अभी हमारा पुलाव पूरी तरीके से बन चुका है, लेकिन हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अभी कवर करके रख देंगे, जिससे हमारे जो भी चावल हैं उनमें मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और हमारे चावल और अच्छे से खिले खिले बने। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इनको कवर कर दिया था, और देखिए हमारे चावल एकदम परफेक्ट बने हैं। तो ये मटर पुलाव की रेसिपी है, आप इसको जब मन करे तब आप बनाकर खा सकते हैं। आप इन्हें छोले, चावल या दाल
राजमा या आप इसको नमकीन भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। अब इन चावलों को हम एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये पुलाव बहुत ही टेस्टी होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको पुलाव कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये नमकीन चावल मटर पुलाव की रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है, ये छोटे बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और बहुत ही हेल्दी है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। बिना किसी झंझट के 20 से 25 मिनट में आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है।